लोग देखिए टोटल मेरा जो अमाउंट है वो पास हो गया है और टास्क अंडर रिव्यू से हट के अब मेरा अमाउंट 490 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, अभी 500 होते हो सकता है, जब हो जाएगा तब मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको कम से कम 3000 रुपया या 4000 रुपया तक करूँगा, उसके बाद ये पैसा निकालूंगा। तो ये सब वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को सिखाने के लिए बनाता हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना है। और कुछ लोग है ना वीडियो देखने के बावजूद भी यार कमेंट नहीं करते या लाइक नहीं करते, तो उनसे तो मेरा एक छोटा सा मतलब रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग है ना मतलब लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपके हाथ में, लेकिन लाइक और कमेंट तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ आपसे कि प्लीज़ ये कर दिया करिए। सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। मुझे शो हुआ मेरे मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे कि आज फील्ड टास्क आए हुए मेरे मतलब फ़ोन पे, तो मैं आज ये अपनी व्हीकल लेके निकला हूँ, मोटरसाइकिल से निकला हूँ और मैंने मैप चालू कर लिया जिस लोकेशन पे मुझे जाना है, और मैं धीरे 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 उसी लोकेशन पे बढ़ रहा हूँ। वैसे मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ये इसके बारे में सीखने के लिए मिलेगा। ये गूगल का एक स्पेशल प्रोग्राम है जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मतलब ये इसका एक्सेस मिलता है। हाँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की उसको एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि मैं ये तरीका जानता हूँ और मैंने कुछ लोगों को इसका एक्सेस दिलवाया भी है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे फोर्स ना करिए। आप अगर हम्बली पूछेंगे तो मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा पर्सनली फ़िलहाल के लिए, बट आप लोग फोर्स मत करिएगा कि नहीं मतलब अनोइंग तरीके से फोर्स मत करिएगा। मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताऊँगा, कुछ लीगल तरीका, तो जिससे कि आपको भी एक्सेस मिलने में मदद मिलेगी। तो एनीवे मैं निकल गया, और रास्ते में बीच में अभी कहीं ट्रैफिक लगा हुआ है, इस वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। तो अभी ये ट्रैफिक हट गया है और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आगे के लिए निकल गया हूँ, और ये मैं जस्ट मतलब पहुँचने ही वाला हूँ, पहुँच गया मैं जिस लोकेशन से मुझे शुरुआत करनी है। तो अब मैं यहाँ से अपने काम की शुरुआत करता हूँ। ओके, ये लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे है ना एक मतलब लोकेशन परफॉर्म करने के लिए मतलब यहाँ एक ऐड करना पड़ेगा, और ये देखिए अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा लोकेशन पे, मैं एक लिस्टिंग ऐड करूँगा। सो वेट ए मोमेंट, मैं पहले जाके पूछ लेता हूँ शॉप ऑनर से, एक एक्चुअली सामने एक शॉप है उसके ऑनर से मैं पहले उसको अपना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने उनसे डिस्कस किया है तो अभी उन्होंने मतलब बोला है कि ठीक है आप कर सकते हो। एक्चुअली ये होता ऐसा है ना कि मतलब बिना परमिशन के मतलब नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, ताकि किसी को कुछ ऐसा डाउट फील ना हो। कई लोग एकदम से घबरा जाते हैं है ना कि ये फ़ोटो क्यों खींचे रहे सामने, तो हम्बली मतलब वहाँ पूछ लेना चाहिए उनसे कि उनको बता देना चाहिए कि सर मैं आपके मतलब जो लोकेशन है आपका जो मतलब बिजनेस है उसको मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ और उसको वेरीफाई करने के लिए आया हूँ, और दूसरा उनको उनसे कोई डिमांड नहीं करनी है ना, उनको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बताना और अपना काम करना है, बस वहाँ से निकल जाना है। तो अभी मैं उनसे बात कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि अभी उनके पास है ना विजिटिंग कार्ड नहीं है। अब मैं प्रूफ कैसे करूँगा कि ये जो नंबर मैं अंदर ऐड कर रहा हूँ वो नंबर जो है वो जेन्यून नंबर है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन देखते हैं शायद उनके साइन बोर्ड पे जहाँ उनका नाम लिखा रहता है बैनर होता है वहाँ पर हो सकता है उनका फ़ोटो मतलब उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हो। वो भी एक तरीका है जिससे आप मतलब ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट का बटन क्लिक कर रहा हूँ, और एक्चुअली ये अंकल जी से थोड़ा बात करके इनको समझाना पड़ रहा है कि मतलब मैं कोई ऐसा इनसे इनका कोई गलत करने के लिए नहीं है। एक्चुअली कई लोगों को तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरी डिस्कशन इस वक्त पे उनके साथ चल रही है। देखिए वीडियो को आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा है ना, ये मैं लिस्टिंग का नाम डाल रहा हूँ।
मुझे नेक्स्ट बटन दबाना है और लोकेशन को ऑन करना है। गॉट इट करेंगे। ओके, मैं शॉप के उनके बाहर आ गया हूँ और उनका एकदम सही ढंग से मैं फ़ोटो खींचूँगा। ओके, मतलब क्लियर आना चाहिए, ठीक है। तो उनका मैंने फ़ोटो खींच लिया। अब चलिए वो अंकल जी से थोड़ा सा बात करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेते हैं, उनका जो ओनर है उनका ही कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेते हैं। ये कैटेगरी इसमें कुछ दी गई है, तो मुझे ये कैटेगरी जो है वो क्लासिफाई करनी है। ये जनरल स्टोर है और यहाँ उनका है ना एड्रेस लिखना है, जो मतलब लीगल एड्रेस है जहाँ पे हम लोग ये जाके कर रहे हैं, वो गली मोहल्ला जो भी होगा, रोड जो भी होगा, उसका हम यहाँ पे सही से डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो ये मैं वहाँ का एड्रेस लिख देता हूँ और पिन कोड जरूर मतलब मैंशन करना, तो मैं पिन कोड भी मैंशन कर दूँगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा पिन कोड है, उनसे थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा या अगल बगल में से कैसे पता लगाना पड़ेगा। तो अब ये 1396191 है या 194 है, 195 है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बट ये मे बी 396191 या 396191 ही है। अब यहाँ अंकल जी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। अंकल जी का नाम कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और उनको, वो थोड़े से व्यस्त हैं, शायद कोई सामान निकल रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं भी उनसे कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि गलत नंबर नहीं डालना है। एक ने आप चार बार पूछी, आप दुगना टाइम लीजिए, लेकिन आप है ना गलत नंबर मत डालिए, है ना, इससे आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब सही डिटेल्स फिलअप करें। ओके, मैंने ये इनका नंबर फिलअप कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। इनके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बैनर से लेना पड़ेगा, उनका जो बाहर बैनर है वहाँ से लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं बाहर चलता हूँ और इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर तो कहीं दिखा ही नहीं दे रहा मुझे, नहीं इनके बैनर में कहीं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। देखिए गलत ढंग से मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो मैं वेरीफाई, क्योंकि डेटा अपलोड करना होता है तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, तो मैं इनका लिस्टिंग नहीं करूँगा। अब एनीवे ये दूसरा एक मुझे लिस्टिंग मिला है तो मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ जाके कर देता हूँ और ये इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये गलत ढंग से करना नहीं है मुझे। मैं पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ, मैं गूगल के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं मतलब कोई ऐसा गलत डाटा बिल्कुल भी नहीं फीड करूँगा। अगर मैं गलत डाटा अगर फीड करूँगा तो मेरी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको जैसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। जस्ट बगल में एक और लिस्टिंग है, चलिए वहाँ चल के देखते हैं। मैं ऑनर से भी बात कर रहा हूँ और ऑनर को बता रहा हूँ कि मैं किस लिए यहाँ पे आया और मैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओके, ये लिस्टिंग पे आने के लिए मैं बैग चला जाता हूँ और नया ऐड कर लेता हूँ। एक्चुअली ये लिस्टिंग में ऐड करूँगा तो मतलब कि उनकी पिछला वाला जो हटा के नया ऐड करूँगा तो उनका जो नया मतलब ये लिस्टिंग है तो उसको उसको एक्चुअली वेरीफाई करने का काम रहता है, तो मैं उनको वेरीफाई कर लेता हूँ। उनके शॉप फ्रंट्स पे जाके उनकी जो मतलब डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर फिलअप करूँगा। अभी मेरी जस्ट बात हो ही रही है, मैं उनको अपना कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ। तो ओके, मैं अभी वहाँ आके खड़ा हो गया उनकी शॉप के फ्रंट में और यहाँ पे उनकी जो लिस्टिंग है, जो एक्चुअली उनका जो शॉप है उसका मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ।
देखिए स्पेलिंग का भी थोड़ा ध्यान देना है ना, क्योंकि रवि और कवि में सिर्फ के का ही अंतर होता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये रिटेक कर लेते हैं ये वाला फ़ोटो, और ये सामने हम जो जनरल स्टोर है उसका फ़ोटो ले लेते हैं। ओ शिट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये सामने स्टिकर लगा हुआ है, तो ये नहीं चल पाएगा। ये सामने महादेव के ऊपर आप देख रहे हो एम के बाद ये है ना, इसको हटाना पड़ेगा, तो नहीं ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मैं इसको हटवा लेता हूँ, और हटाने के बाद ही दूसरा फ़ोटो मैं लगाऊँगा, क्योंकि ये बिल्कुल चलेगा नहीं। देखो महादेव में एम है लेकिन ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने इनके आदमी को बोल दिया है। अब ये जैसे हट जाता है तो मुझे रीटेक करना पड़ेगा, मैं वापस से फ़ोटो मतलब यहाँ से कैप्चर करूँगा, और फिर उसके बाद फिर आगे की मतलब जो प्रोसीजर वो कंप्लीट करूँगा। हाँ, तो अभी ये हटा दिया गया, अब मैं इसका क्लियर फ़ोटो ले सकता हूँ। देखिए फ़ोटो जो है ना वो ढंग से आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए, तो जिससे कि रिजेक्ट होने का चांस ना हो, क्योंकि रिजेक्ट भी होता है ऐसे में। ये अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं अब लिस्टिंग में मतलब ऐड कर सकता हूँ। ओके, ये अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब ये भी जनरल स्टोरी है, यहाँ पे जाके अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ओके, अब ये एड्रेस जो है मैं एकदम परफेक्ट एड्रेस मतलब अंदर पुट अप करूँगा। देखिए पहले अपने को शॉप नंबर डालना है, फिर उसके बाद ये कौन सा रोड है रोड डालना है, और उस एरिया का जो है नाम डालना है, और उसके बाद आपको पिन कोड नंबर डालना है। देखिए थोड़ा ध्यान देना है ना, आपको हर चीज़ को ढंग से मतलब लिखना है, जहाँ कैपिटल में होता है वहाँ कैपिटल में लिखना है। तो ये थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूँ। तो ये मैंने एड्रेस में मतलब मॉडिफाई कर दिया, और मैं अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर मतलब उनसे पूछ के डाल देता हूँ। एक्चुअली स्टोर फ्रंट पे उनका नंबर मिल ही गया मुझे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ओके, मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, बट वो मुझे ढंग से अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी वजह से मैं थोड़ा बैक होके इसको ढंग से फ़ोटो ले लेता हूँ। ओके, ये पूरा मतलब सामने ढंग से आ रहा है, तो मैं इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मैंने फ़ोटो ले लिया है। अब ये मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करूँगा। और मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करके इसको डन कर दूँगा। तो ये मेरी एक लिस्टिंग ऐड होगी। अब मेरे जो है ना, आप ऊपर देख पा रहे हो कि एक अंडर रिव्यू बता रहे हैं। पहले मेरे 449 रुपीज़ थे, और रिकैप वीडियो में मैंने वो फिर आपको जो लास्ट में अप्रूव हो गया वो बताया है। तो ये 449 रुपीज़ मेरे खाते में पहले से पड़े हुए हैं, और ये एक टास्क जो है वो 41 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये 41 रुपीज़ जो है वो अंडर रिव्यू चल रहा है, यानी कि ये सुपीरियर जो गूगल जो है इसको वेरीफाई करेगा कि क्या मैंने मतलब सही डिटेल डाली, और उसके बाद वो जो है अप्रूव हो जाएगा और उसके मेरे 41 रुपीज़ मिल जाएंगे, जो कि मैंने पहले वीडियो के पहले ही आपको ये बता दिया कि मेरे 41 रुपीस पास हो गए, और मेरे जो 449 से और 490 या 490 रुपीस उसके अंदर मतलब ऐड हो गए टोटल। और मैं पहले भी मतलब इसे काम कर चुका हूँ, और इसे मैं पैसे विड्रॉ कर चुका हूँ। तो अभी ये इतने प्लेंटी ऑफ यू नो ये टास्क मेरे पास पड़े हुए हैं,
तो ये सभी टास्क को मैं कल समय से यहाँ आके फिर उसको कंप्लीट करूँगा। तो ये कुछ लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, अब इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊँगा। तो ये ढेर सारे टास्क पड़े, ये सारे टास्क मैं कंप्लीट करूँगा तो हर टास्क का मुझे 41 रुपीज़ मिलेगा। तो ये मैं रिज़र्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कल 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। कुछ टास्क है अभी, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 41 रुपीज़ मेरे पेंडिंग में है। अभी इतने सारे टास्क मेरे पास है, हर टास्क का मुझे जो है वो 41 रुपीज़ मिल रहा है और अनलिमिटेड मेरे पास टास्क पड़े हुए हैं। तो ये सारे टास्क मैं कंप्लीट करूँगा। देखिए वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा आई होप, और मैंने जैसे पहले रिकैप वीडियो में आपको बताया कि ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और जो कंटेंट कोई नहीं देता है ना, जो रियलिटी कंटेंट कोई नहीं देता, मैं कोशिश करता हूँ रियलिटी कंटेंट देने के लिए। तो वीडियो जो है ना, वीडियो को थोड़ा सा आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा बार बार। एनीवे मैं ये कुछ टास्क जो है उसको रिजर्व कर रहा हूँ क्योंकि 24 आवर के बाद ये कंप्लीट करना है मुझे। तो इसका सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के आसपास टाइमिंग रहता है, तो इतने टाइम तक मैं कभी भी कल कर सकता हूँ इसको। तो टाइमिंग पे मतलब पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ कुछ टास्क को मैं और रिजर्व कर देता हूँ। देखिए ये रिज़र्व करके रखने का फ़ायदा ये है ना कि ये चीज़ तो मेरी पक्की है कि मैं यहाँ पे अगर आऊँगा तो मुझे ये टास्क ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये मैंने रिज़र्व करके रखे हैं। तो कई बार क्या है ना, ये टास्क निकल जाते हैं तो इस चीज़ का मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ, अगर टास्क जो मैं रिज़र्व करके रखूँगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा 449 रुपीज़ था, 41 रुपीज़ पेंडिंग बता रहा था और इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ निकालना होता है और मैंने 1263 रुपये लास्ट टाइम इसमें से विड्रॉ करके अपने बैंक में लिया था। और ये देखिए टोटल मैंने 1311 टास्क किए कंप्लीट, उसमें मुझे मतलब 1311 टास्क जो है उसके पैसे मुझे मिल चुके हैं।